हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर सीयूईटी विद योर जेईई नीट प्रिपरेशन, या हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई नीट विद योर सीयूईटी प्रिपरेशन। देखिए, क्लास ट्वेल्थ के बाद जो साइंस के स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जेईई नीट का एग्जाम देते हैं और पिछले साल से यहाँ पर नई एंट्री होती है सीयूईटी। और सीयूईटी पहले साल ही एक बहुत बड़ा हिट रहा है, बहुत ज्यादा बच्चों ने सीयूईटी का एग्जाम दिया है। नाउ व्हाट इज सीयूईटी? सीयूईटी इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हमारे देश में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशंस के लिए बच्चों को सीयूईटी का टेस्ट देना होता है। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, लाइक जेईई एंड नीट। हाँ, जेईई नीट का लेवल बहुत ऊपर है अभी, सीयूईटी का लेवल उतना नहीं है क्योंकि इसमें सिलेक्शन रेशियो भी जाता है। इसका अगर मैं लेवल बोलता हूँ, लेवल थोड़ा सा कम रहता है तो आपके पास एक एज रहती है, आप थोड़ा आगे हो जाते हो अगर आप जेईई नीट के स्टूडेंट हो, है ना। जेईई नीट में क्या रहता है कि आपका 11 12th का सिलेबस आता है, पेपर का लेवल ज्यादा होता है। नीट जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, जेईई जो बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं। बट इसके अलावा देखिए, यहां पर सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, लेस देन 1% है, तो हर एक बच्चा नहीं जा पाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जेईई नीट का एग्जाम देने के बाद, ठीक है ना। तो फिर अब बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप के बाद भी सेम रहता है। तो बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे पास 2-3 ऑप्शन रहने चाहिए, ठीक है। और लास्ट ईयर भी ये बात बहुत उठी थी कि जो बच्चे जेईई दे रहे हैं या जो बच्चे नीट दे रहे हैं, क्या उन्हें सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए? तो हर एक टीचर ने बोला था कि हाँ, उन्हें सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए। एंड अगेन, मैं भी इस बात को बोलूंगा कि आप सबको सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए। आप उन नॉर्मल स्टूडेंट से तो बहुत आगे हो जो सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम देंगे, बहुत आगे हो। सारी बातें करते हैं, क्या होता है सीयूईटी अच्छे से देखते हैं और आगे बात करेंगे कि आपको पढ़ना किस तरह से है। अपने बारे में बता दूं, बता भी दिया है दैट आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर भारत पंचाल और मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं आपके 12th बोर्ड्स और सीयूईटी को फोड़ने में। तो चलिए, सीयूईटी क्या है आपको बताया मैंने। सीयूईटी इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले ये सीयूईटी के नाम से फेमस था, है ना, बट वो हर जगह नहीं था। अब ये तो पूरे देश के लिए हो गया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों देना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि इस ये क्यों जरूरी हुआ, किस लिए जरूरत पड़ गई। देखिए, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश की, लाइक मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कईयों के इनमें एंट्रेंस टेस्ट भी होते थे, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एडमिशन होता था वो होता था ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज इन क्लास ट्वेल्थ। और परसेंटेज इन क्लास ट्वेल्थ में बात करूं तो देखिए, हर एक स्टेट का अलग अलग पैटर्न होता है। CBSE का अलग पैटर्न होता है, ISC का अलग पैटर्न होता है, इवन सिलेबस भी अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, CBSE अभी 10 चैप्टर दे रहा है बोर्ड्स के अंदर। बहुत सारे जो स्टेट हैं, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ बिहार बोर्ड, वो 16 चैप्टर दे रहे हैं। यूपी बोर्ड, वो बहुत ज्यादा चैप्टर दे रहे हैं, ठीक है। CBSE की जो मार्किंग होती है वो थोड़ी सी लीनियंट होती है, वो थोड़ा सा मतलब सही से मार्किंग हो जाती है, अब 90, 95, 99 आ जाते हैं। बट अगर मैं बिहार बोर्ड की साइड बात करूं, यूपी बोर्ड की साइड करूं, वहां पर तो एक सपना है, वहां पर इतना इजीली 90, 95 नहीं आता है। और CBSE से भी अगर मैं अच्छी मार्किंग बोलूं तो वो साउथ साइड है, जो हमारी इंडिया की साउथ साइड है, वहां पर बच्चों को नंबर ऐसे दिए जाते हैं। तो फिर क्या होता था, अब पहले जो भी हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उनके अंदर एडमिशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो उसमें मोस्टली साउथ के स्टूडेंट होते थे। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं या फिर जो यूपी के स्टूडेंट हैं या जो भी जहां पर स्टेट बोर्ड की मार्किंग थोड़ी सी हार्ड रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका लेवल कम है, बट क्योंकि उनको परसेंटेज बहुत कम मिली है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत सही हुआ है कि हाँ, एक एंट्रेंस टेस्ट रख दिया गया सभी के लिए, ठीक है। परसेंटेज देखो यार, परसेंटेज ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अच्छे परसेंट लेके आ सकते हो, मींस आपकी लेवल अच्छा है और आप अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दे भी सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। पहले हमारे देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट भी लेती थी, बट हर एक का पैटर्न अलग अलग होता था, हर एक का सिलेबस अलग अलग होता था, एग्जाम डेट्स अलग अलग होती थी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते थे। अब क्या है, पूरे देश की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें आप एडमिशन ले सकते हो बाय गिविंग वन टेस्ट,
ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू की फॉर्म में ये टेस्ट होगा, आप कर सकते हो। और ये सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। और अभी क्या हो गया है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उन सबकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है। जब सेंट्रल सिस्टम होता है ऑब्वियसली वो चीज अच्छी मानी जाती है। क्लियर है? अब एक बार थोड़ा सा आपको पैटर्न बता देता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, है ना। तीन पार्ट होते हैं, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1A में आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, या फिर अभी कुछ दिनों बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे तब आप लोगों को और अच्छे से पॉइंट क्लियर होने लगेंगे। इसके बाद आप लोगों को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाते हैं, लाइक आप क्या चाहते हो, आप बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हो, बीएससी फिजिक्स करना चाहते हो, बीएससी बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो, जो भी, ठीक है, तो आपको वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा आपका जनरल टेस्ट होता है, जीके वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और होगी भी, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छे नागरिक बनिए और करंट की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी चाहिए। तो अब मैं बात कर लेता हूं इसके डिफिकल्टी लेवल की। होनेस्टली बताता हूं आप लोगों को कि अगर आप सबको बताए कि सबसे डिफिकल्ट जो लेवल रहता है वो जेई का रहता है ना, वहां पर तो मतलब बहुत कम नंबर लेके भी बच्चा अच्छे उसमें चला जाता है। नीट का लेवल जेई से कम रहेगा और इसका लेवल तो इन दोनों से बहुत कम रहता है। हाँ, बोर्ड के इक्विवेलेंट, बोर्ड से थोड़ा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। कम टू द सेकंड पॉइंट, यहां पर ये आपको सब देना चाहिए, क्योंकि देखो अभी जो बच्चे जेई के आपके पेपर होंगे कब होंगे, आपके होने वाले हैं जैन में एंड अप्रैल में। फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में होगा, सेकेंड अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होगा। और अगर मैं नीट की बात करूं, मई के फर्स्ट संडे को बोल रहे हैं जब भी, तो अप्रैल ये होगा आपका इसके बाद। तो मींस आप लोगों को पढ़ाई का फ्लो तो बना हुआ है, बस आपको वो टेस्ट देने जाना है, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा। और बढ़िया बात क्या है कि इसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा आपका, सिर्फ 12th का, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको जनरल टेस्ट के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इंग्लिश के लिए, क्योंकि जो बायो वाले बच्चे हैं वो पीसी भी तो पढ़ ही रहे हैं, जो जेई वाले बच्चे हैं वो पीसीएम तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। जो जेई वाले पीसीएम पढ़ रहे हैं, जो नीट वाले हैं वो पीसी भी पढ़ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। बट इसके लिए इंग्लिश देखो यार, बोर्ड लेवल की इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, करंट की मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज साथ साथ रखनी चाहिए बेटा, सो दैट कि इन केस कुछ भी होता है, मैं तो सबको ऑल द बेस्ट बोलूंगा कि आपका जेई नीट क्रैक हो, आप अच्छी रैंक लेके आओ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। बट 0.01% कुछ नहीं हो पाता है तो आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल हो, ठीक है ना। और हाँ, जुट जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं भाई साहब, हम बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। और ये जो हमारा YouTube चैनल है अनअकैडमी CUET, यहां पर आपके पास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से, ठीक है। बेस्ट विशेस है मेरी साइड से, और कमेंट सेक्शन में सब बच्चों ने जरूर बताना कि क्या आप लोग अभी CUET देने वाले हो। लेवल ईजी है, जरूर देना चाहिए, सो दैट कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन निकल के आए, ठीक है ना। और एग्जाम डेट क्लैश नहीं करती हैं, अलग अलग एग्जाम डेट्स होती हैं, तो आप लोग एग्जाम दे सकते हो। ऑल द बेस्ट मेरे साइड से, और मिलके पढ़ेंगे, मिलके फोड़ेंगे। ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।